कुछ बड़ी खबर है। गुरुग्राम में 5 लोग आग से जले हैं, तो बड़ी जानकारी। तो आग लगने के चलते 5 लोग यहां जले हैं। आपको बताएं कि इस हादसे में एक की मौत हो चुकी है। तो बड़ी जानकारी गुरुग्राम से, इस हादसे में 5 लोग आग के चलते जले हैं और एक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 4 अन्य की हालत बेहद गंभीर है। तो शॉर्ट सर्किट के चलते कमरे में आग लगी है और आग लगने से 4 की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। तो आपको बताएं कि बिहार का रहने वाला है पीड़ित परिवार। तो बिहार से आने के बाद गुरुग्राम में ये लोग बसे थे और ऐसे में बताया जा रहा है कि सेक्टर 40 इलाके की घटना है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील मेरे साथ बन गए हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए? देखिए, गुरुग्राम के सेक्टर 40 इलाके की ये घटना है। बिहार का रहने वाला एक शख्स है जो अपने 3 बच्चों और पत्नी के साथ किराए के मकान में रहता है। बताया जा रहा है कि 11:30 से 12 बजे के करीब बीती रात कमरे में आग लग गई। आग के कारणों का भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। और आग लगने के बाद उस कमरे में जो दंपति सो रहा था बच्चों के साथ, उसकी दम घुटने से मौत हुई। बाकी लोगों को जिनको जलन है, जो जले हैं उसमें, जिनकी स्थिति खराब है, उनको गुरुग्राम के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए सफदरजंग के लिए रेफर कर दिया गया है दिल्ली, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर यह साजिशन आग लगाई गई है या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। जी सुशील, क्या लग रहा है जिस तरीके से यहाँ ये जानकारी है कि बिहार से आकर यहाँ ये गुरुग्राम में बसे थे, क्या लग रहा है कि इस पीड़ित परिवार की कोई सहायता की जाएगी? निश्चित तौर पर देखिए, किराए के मकान में यहाँ रहता था और अभी जो फिलहाल है कि एक डेथ हो चुकी है। अब कौन कौन रिश्तेदार उसके हैं और पुलिस जांच में क्या कुछ निकल कर आता है कि क्या साजिशन आग लगाई गई है या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, इसकी पुलिस जांच कर रही है। और जांच के बाद ही इस नतीजे पर पहुंचा जाएगा कि क्या सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं पुलिस कार्रवाई के बाद ही सामने आएगा कि क्या मामला है आखिर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।